मध्य प्रदेश के कटनी में नहर निर्माण के दौरान दर्दनाक हादसा, दीवार ढहने से 9 मजदूर दबे। हादसे के फौरन बाद सूचना मिलने पर एक्शन में आई एनडीआरएफ, 5 मजदूरों को बाहर निकाला। 4 मजदूर अब भी मलबे में हैं दबे, बाहर निकालने की कोशिश जारी। बरगी डैम से नर्मदा के जल को रीवा तक ले जाने के लिए किया जा रहा है नहर का निर्माण, पिछले 12 साल से नहर का निर्माण कार्य जारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी जानकारी, लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं, मलबे में दबे लोगों के सकुशल होने की ईश्वर से की प्रार्थना। पंजाब चुनाव में बीजेपी ने चला बड़ा दांव, घोषणा पत्र में पंजाब के युवाओं से सरकारी नौकरी में 75% आरक्षण का किया वादा। बीजेपी ने प्राइवेट नौकरियों में भी पंजाब के युवाओं से 50% आरक्षण का किया वादा। बीजेपी ने पंजाब में लड़कियों से भी सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन का किया वादा, नौकरी स्थायी हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस दोनों सूरत में मिलेगा 35% आरक्षण। पंजाब में बेरोजगार युवकों से बीजेपी का बड़ा वादा, सत्ता में आने में स्नातक पास करने के 2 साल बाद तक मिलेगा 4,000 रूपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता। महिला सुरक्षा पर बीजेपी का जोर, महिलाओं पर अत्याचार के केस की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए बीजेपी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का भी किया वादा। पंजाब में आज प्रचार में जोर लगाएंगे दिग्गज, देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज पंजाब में धुआंधार प्रचार के साथ पूजा पाठ पर जोर। अमित शाह आज लुधियाना सेंट्रल, पटियाला और अमृतसर नॉर्थ में करेंगे प्रचार, दोपहर 12 बजे लुधियाना के दरेसी गांव में पहली रैली। आज शाम 7 बजे अमित शाह दुर्गियाना मंदिर में करेंगे पूजा अर्चन, शाम 7:30 बजे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाएंगे शाह। पंजाब में आज प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए लगाएंगी जमकर जोर, कोटद्वार में सुबह सभा, 11 बजे करेंगी रैली। पंजाब के बालाचौर में प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठाया 1984 के सिख विरोधी दंगे का मुद्दा, कांग्रेस पर किया वार। जेपी नड्डा ने कहा देश की सबसे पुरानी पार्टी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि सिख भाइयों और बहनों का हुआ कत्ल। दंगे हुए यही कांग्रेस पार्टी थी जो उस समय ये कहा करती थी और उसके नेता कहते थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जेपी नड्डा ने 1984 के दंगे के बाद राजीव गांधी के दिए बयान की भी याद दिलाई, कहा दंगे पर कांग्रेसी नेता कहते थे जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वही पार्टी अब पंजाब में मांग रही है वोट। जेपी नड्डा ने करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने का भी किया जिक्र, कहा ये पीएम मोदी की वजह से संभव हो सका। पंजाब कांग्रेस में सीएम पद पर छिड़े घमासान की खबरों के बीच नवजोत सिद्धू की सुलह की सफाई, कहा पंजाब कांग्रेस में नहीं कोई भी अंदरूनी कलह है। सिद्धू ने कहा सीएम पद के चेहरे पर राहुल गांधी के फैसले का हम सब करते हैं स्वागत। सिद्धू की पत्नी नवजोत के बाद सिद्धू की बेटी राबिया ने भी राहुल के फैसले पर उठाए थे सवाल, सीएम पद के उम्मीदवार पर चन्नी के नाम का ऐलान होने पर बोली थी राबिया आलाकमान की रही होगी कोई मजबूरी। सिद्धू की बेटी राबिया ने तो यहां तक कहा था कि ईमानदार बंदे का कोई रोक नहीं सकता, जबकि बेईमान बंदे को एक ना एक दिन रुकना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, पहले अकाली दल से गठबंधन में बीजेपी थी, जूनियर पार्टनर, अब राज्य में 73 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, बोले मोदी शाह तय करेंगे पंजाब के विकास का एजेंडा। पंजाब में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उठाया राज्य में पीएम मोदी की सुरक्षा का मुद्दा, कहा चुनाव आयोग से पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू के बयान का दिया हवाला, बिट्टू ने कहा था विरोध से बचने के लिए पीएम मोदी को सड़क मार्ग के बजाय हेलीकॉप्टर और विमान का करना चाहिए इस्तेमाल। पीएम मोदी की सुरक्षा मुद्दे पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी का भी मिला साथ, अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब है सीमावर्ती राज्य, लिहाजा पीएम की आंतरिक सुरक्षा पर नहीं होनी चाहिए कोई राजनीति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर में करेंगे 4 नुक्कड़ सभाएं, पहली मीटिंग सुबह सभा 11 बजे नोवेल्टी में। पंजाब में 20 फरवरी को होना है चुनाव, एक ही चरण में सभी 117 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान, 10 मार्च को आएंगे नतीजे।
यूपी में आज सीएम योगी का मैराथन प्रचार, 5 रैलियों को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज एटा, फरुखाबाद, औरैया और औरैया सदर समेत कुल 5 रैलियां करेंगे। पहली रैली दोपहर 12 बजे एटा के जलेसर में। अखिलेश यादव भी आज हाथरस, कासगंज, एटा, सिरसागंज में करेंगे प्रचार। सबसे पहले सुबह 11:50 पर हाथरस पहुंचेंगे। सीएम योगी के बयान, ये देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं, पर ओवैसी का पलटवार। ओवैसी ने कहा, भारत का कोई धर्म नहीं, भारत कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और गीता जैसी सभी धार्मिक पुस्तकों में विश्वास करता है, लेकिन सीएम योगी इसे समझ नहीं पा रहे। कल यूपी के कन्नौज में बोले पीएम मोदी, सिर्फ बीजेपी के पास अपराधियों और दंगाइयों का इलाज। पीएम मोदी ने गुजरात का दिया हवाला, कहा पहले हर साल छोटी छोटी बात पर होते थे दंगे, लगता था कर्फ्यू, लेकिन बीजेपी को सत्ता का मौका देने के बाद बदली परिस्थिति। पीएम मोदी बोले, गुजरात में पिछले 2 दशकों में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, यही हाल योगी राज में यूपी का है, जनता को भरोसा जगा है, योगी सरकार गुंडों और माफिया पर अंकुश लगा सकती है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर किया वार, कहा उनके लिए लोकतंत्र का मतलब है परिवार की सरकार और परिवार के लिए सरकार। पीएम मोदी ने कन्नौज में इत्र कारोबार का उठाया मुद्दा, कहा हम कन्नौज के इत्र को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए कर रहे हैं काम, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे किया बदनाम। अखिलेश यादव का बयान, पहले चरण के मतदान प्रतिशत से बीजेपी के खिलाफ बही बयार, दूसरे चरण में बीजेपी का होगा सफाया। अखिलेश यादव का दावा, बदायूं में खाता भी नहीं खोल पाएगी बीजेपी। अखिलेश ने कहा, बीजेपी है झूठों की पार्टी, बीजेपी में ऊपर से लेकर नीचे तक हर नेता झूठ बोल रहा है। यूपी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी धुआंधार प्रचार, रामनगर, हैदरगढ़ और ऊंचाहार में करेंगे रैली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी बयान, बीजेपी सत्ता में आई तो समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी और राज्य में जल्द लागू होगा कॉमन सिविल कोड। ओवैसी का पलटवार, कहा यह समझना होगा कॉमन का मतलब समान नहीं होता, समाज को अपनी संस्कृति के संरक्षण का है अधिकार। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, विधि आयोग भी कह चुका है यूसीसी की जरूरत नहीं, लेकिन जब बीजेपी के तलवे की जमीन खिसकने लगती है तो वो इसके बारे में सोचने लगती है। उत्तराखंड के कोटद्वार में प्रचार के दौरान बोले सीएम योगी, हिंदू सांप्रदायिक शब्द नहीं, ये हमारी संस्कृति की है पहचान, राहुल को समझना होगा, उनके परदादा खुद को मानते थे एक्सीडेंटल हिंदू। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस में हिंदू का अपमान करने की होड़, जो ये भी नहीं जानते वो हिंदू हैं या नहीं, वो अब इस शब्द का अर्थ परिभाषित कर रहे हैं। उत्तराखंड के सहसपुर में बोले अमित शाह, कांग्रेस रोहिंग्या को उत्तराखंड में बसाने में कर रही है मदद। पीएम मोदी के वार को प्रियंका गांधी ने बनाया कामकाज की ढाल, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कोरोना फैलाने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस ने प्रवासियों को गृह जनपद जाने के लिए किया था प्रोत्साहित। प्रियंका गांधी बोली, कांग्रेस ने कोरोना काल में पैदल धूल फांक रहे प्रवासियों की मदद कर निभाया फर्ज, उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकती थी कांग्रेस। गोवा में खनन पर कांग्रेस बीजेपी में छिड़ी जंग, सीएम प्रमोद सावंत बोले जल्द शुरू होगा लौह अयस्क का खनन। हिजाब पर देश में सियासत गर्म, मालेगांव में एक उर्दू घर का नाम कर्नाटक के हिजाब गर्ल मुस्कान खान के नाम पर रखा गया। हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी, वकील फरहा फैज ने अपनी याचिका में कहा धार्मिक अधिकारों से मौलिक अधिकारों की अहमियत ज्यादा। हिजाब प्रोटेस्ट की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश, आईबी ने जारी किया अलर्ट, भारत में हिजाब रेफरेंडम के पोस्टर जारी किए। भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए बनाई गई वेबसाइट सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरुवंत सिंह पन्नू ने आईएसआई ने जारी किया करवाया वीडियो। बंगाल में मुर्शिदाबाद के एक स्कूल में हिजाब की मनाही के खिलाफ जबरदस्त बवाल, टीचर के मना करने पर भड़के लोगों ने की तोड़फोड़, हिंसा में अब तक 18 गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में हिजाब के समर्थन में पैदल मार्च, हाथों में तख्ती और पोस्टर के साथ हिजाब पहनकर शामिल हुई महिलाएं। मशहूर उद्योगपति और बजाज ग्रुप से जुड़े राहुल बजाज का 83 साल की उम्र में निधन, पद्मभूषण से भी थे सम्मानित। पुणे के अस्पताल में राहुल बजाज ने ली आखिरी सांस, कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान। राहुल बजाज के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, दूसरे राजनेताओं ने भी जताई संवेदना।
खरगोन में राज्यपाल ने ऐतिहासिक रजवाड़े का किया अवलोकन। राजवाड़ा में स्थित सोने के झूले को करीब से देखा। इम्फाल में क्रिएटिव कैंपेन लॉन्च, सीएम वीरेंद्र सिंह के साथ संबित पात्रा ने किया उद्घाटन। दिल्ली में डार्क नेट पर चल रहे तीन बड़े ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़, 22 आरोपी गिरफ्तार, 4 लड़कियां भी शामिल। भोपाल में कार टच होने पर बुड़के वाली महिला का फूटा गुस्सा, कार चालक युवक को पुलिस के सामने मारा थप्पड़। भोपाल में कर्नाटक संपर्क क्रांति ट्रेन में युवती के साथ रेप, जीआरपी ने पेंट्री कार के सभी स्टाफ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बिहार के सहरसा में कपड़ा व्यवसायी को गोली मारने के मामले में लोगों का फूटा गुस्सा, घंटों किया सड़क जाम, अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आई एक श्रद्धालु की मौत, भीड़ में दम घुटने से गई जान। बिहार के कटिहार में शादी समारोह से लौट रहे दंपत्ति की कार गड्ढे में पलटी, महिला टीचर की मौत। नागपुर अमरावती हाईवे पर चलती कार का फटा टायर, 3 लोगों की हुई मौत। खरगोन में बस पलटने से 12 लोग घायल, ज्यादातर स्कूली छात्राएं शामिल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। राजस्थान के टोंक में 22 दिनों बाद हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस के मुताबिक सिर्फ 1000 रुपए के लिए वारदात को दिया गया अंजाम। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली महिला प्रेमी संग हुई फरार, ट्रेन से जा रही थी राजस्थान, जीआरपी पुलिस ने प्रेमी के घर से किया बरामद। अमेठी में बुजुर्ग की हत्या से कोहराम, जमीनी विवाद में बदमाशों ने हथौड़े से मार मार कर वारदात को दिया अंजाम। झज्जर के पीएनबी बैंक में सेंधमारी की कोशिश, स्ट्रांग रूम तक पहुंचा चोर, हालांकि वारदात को अंजाम देने में रहा नाकाम। सवाई माधोपुर में ज्वेलरी की दुकान में लूट, सीसीटीवी में वारदात कैद। कोटा पुलिस के हत्थे चढ़ा सेक्स रैकेट, बंगाल से लाई गई थी कॉल गर्ल्स, 2 लड़कियां और लड़के गिरफ्तार। एटा में 8 दिन पहले हुए 5 साल के बच्चे के अपहरण मामले में खुलासा, पुलिस के मुताबिक लड़की को लड़का समझकर रुपए के लिए किया किडनैप, बाद में दुष्कर्म की कोशिश। मेरठ में कबाड़ी इकबाल की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त, पुलिस ने गोदाम और मकान की करवाई वीडियोग्राफी। बिहार के गोपालगंज में कुख्यात 4 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने सोना और चांदी किया बरामद। औरैया में थोक दुकान में लगी भीषण आग, 80 लाख का माल राख। बिहार के सहरसा में दोस्त ने ली दोस्त की जान, घर से बुलाकर तेज रफ्तार ट्रेन के आगे दिया धक्का। नीमच में मंदिर के पुजारी की लाश मंदिर परिसर में पेड़ पर मिली, जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में आईपीएल सीजन 15 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का आज दूसरा दिन, कल मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख में खरीदा। चेन्नई ने दीपक चहर को 14 करोड़ में खरीदा, पंजाब किंग्स 11 ने रबाडा को 9 करोड़ 25 लाख में खरीदा। पंजाब ने लगाई शिखर धवन के लिए बोली, 8 करोड़ 25 लाख। गेंदबाज फिंट बोल्ट को राजस्थान ने 8 करोड़ में खरीदा, गुजरात टाइटंस ने मोहम्मद शमी को 6.25 करोड़ में खरीदा। हैदराबाद से दिल्ली गए डेविड वार्नर, दिल्ली कैपिटल्स ने 6 करोड़ 25 लाख की लगाई बोली।